लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे यार हर काम मेरे कर रहा होता है, तबीयत भी सही नहीं आज, कौन आ गया? अरे कोई है क्या? सेठ साहब आप? अच्छा वह तुम मिल गया। मैं कहीं खो गया था क्या? तुम सेल फोन है जो खो जाएगा, ज्यादा फिलॉसफी ना जड़ो मार, ये बताने कहा कि बच्चू घर में है? नहीं वो आज बाहर गए। मैं शुक्र ये तो बहुत अच्छा बात है जी। क्या काम है? सब खैरियत तो है। बात ये है कि हमारे दोस्त आ रहे हैं तो उसका खास ख्याल रखना तुम। बेफिक्र हो जा। क्या बात, अब हम कुनूत खाने में तशरीफ ले जाएगा थोड़ा आराम करने का। कुनूत खाना? अल्लाह खैर करे। कुनूत खाना? थोड़ी देर में कहीं हाथी और कनीजों की फरमाइश ना कर दे। अल्लाह खैर करे। अब मैं उसकी जहालत की किस और क्या क्या बताऊं तुम्हें। उस दिन हम वो टीवी पे वो जानवरों की डॉक्यूमेंट्री वाला चैनल देख रहे थे, तो एकदम से जब वो शेर आया और उसने जैसे ही धाड़ा तो छलांग मार के जानी की गोद में बैठ गई। ओहो, लेकिन एक बात है, तुम्हारे घर में तीनों बहुत इंटरेस्टिंग है। तीनों? तीनों कौन? अरे भाई एक जानी, एक जरीना और वो तीसरा बच्चू। नहीं जरीना बच्चू और बाहर रखे गाय के मुजस्मे की बात कर रही हूँ मैं। अगर इतना बुरा ही लगता है तो फिर क्यों आती हो घर? अरे हमने कब कहा कि बुरा लगता है? मैंने कहा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लगता है, इन लोगों के साथ रहते रहते तुम्हारी भी इंग्लिश फारिक हो गई है। Excuse me, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया और तुम लोग काफी देर से अपने घर से बाहर हो। भाई तुम लोग तो फारिग हो, हम बिजनेस वाले लोग हैं, मुझे भी बहुत काम है, ठीक है अब चलो जाओ। अरे तो साफ बोलो ना कि यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ तो यही तो कह रही हूँ, अब जाओ। आपका कैसे आना हुआ? असल में एक बंदा आ रहा है मिलने के लिए। बंदा? कौन सा बंदा, क्यों आ रहा है? असल में इन्वेस्टर आ रहा है जी। कौन इन्वेस्टर? अब कौन इन्वेस्टर आ रहा है? खुश्क दूध का। हाँ वाह। क्या जरूरत है आपको ये सब कुछ करने की? क्या मतलब है आपको ये सब करने की? तरक्की करना गुनाह जी। तरक्की कैसी? मैंने सोचा है कि दूध के साथ साथ हम खुश्क दूध का भी कारोबार करने का। बात तो आपकी ठीक है। मैं गलत बात करता ही नहीं करता। पर है कौन? बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, इंटरेस्टिंग वकार नाम उसका। वो सब तो ठीक है, मगर पापा जानी वो बच्चों को कौन समझाएगा और वो बाबा साईं को? ये तो मैंने सोचा नहीं। भाई तो इतना आसान थोड़ी सा हम समझ रहे हैं। अभी तो वो आ रहा है, सिर्फ उससे मिलने का। और इतने में बच्चू आ गए तो? तुम्हें काम करने का। ये बात जानी को बोला था, जानी वो उसको मैंने ऑफिस का काम दिया था, मैं उसको बता के आती हूँ, ठीक है? यही तो है ना जो सूखा दूध वाला है। भला बताइए, दुनिया दूध में पानी डाल डाल के गीला किए जा रही है, ये सूखा दूध बेच रहा है। फजूल बात बंद करेगा, ये मेहमान आया इसको खाने पीने का बंदोबस्त करने का। और ये साहब कौन है? ये हमारा मैनेजर है जी। ऐसे लोगों को ना खुला नहीं छोड़ते। तुम भी तो खुले में खुला इंसान में फिर रहे ना, छोड़ अब क्यों उसके मुँह लग रहा, जाने खाने पीने का बंदोबस्त करने का। विक्की साहब क्या प्रोग्राम है नतीजा आपका? अंकल इरादे तो बहुत नेक हैं, बस एक मिनट दी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सूखे दूध का कारोबार कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा ओके, तो फिर आप ही शुरू कीजिए बात। ये बताने का आप कितना दूध दे सकते हैं? है? अंकल देखें, दूध तो गाय देगी, हम तो सिर्फ सुखाएंगे उसको। मेरा मतलब है कि कारोबार बहुत फैला हुआ है, क्या तुम इतने मिकदार में दूध फराहम कर सकेंगे? अंकल एक दफा मौका तो दें, हम तो नहरें बहा देंगे। ऐसा नहीं करने का। क्यों? लोग शरबत में डाल के पीने लगेंगे ना। अच्छा चले छोड़ दिया, वैसे भी सूखा दूध कहाँ बह सकता है, लेकिन अपने आइडिया और प्रोडक्ट के लिए
एडवांस लूंगा मैं आपसे। सब मिलने का आप बहुत ज़हीन हैं। मैं अपना बेटी को बुलाता ना जी। सीमा बेटी, ओ सीमा बेटी, सीमा बेटी। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ, ये वो साहब है ना जी, जिनके बारे में बात कर रहा था, सूखे दूध का कारोबार है। जी, मिल्क पाउडर बिजनेसमैन। हाँ। अच्छा अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? एक्चुअली मैं तो मेकअप आर्टिस्ट था ना। आप मेकअप आर्टिस्ट ही हैं? और ये दूध का बिजनेस कुछ समझ नहीं आया मुझे। सुर्खी पाउडर लगा लगा के मैंने मिल्क पाउडर का फॉर्मूला भी इजाद कर लिया। इंटरेस्टिंग ना, तो मैंने फिर सोचा कि ये काम भी शुरू कर लिया जाए। वाह भाई वाह, अब बच्चों किसी पे उतर जाएगा, क्या करें? आ तो चलेगा विक्की, हम जरा फैक्ट्री का मुआयना करेंगे ना जी। जी जी जी, चलिए जैसे आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप आ गए? अरे क्या बात है बाबा, आज तो बहुत प्यार आ रहा है। क्यों, क्या नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं बाबा, आना चाहिए, लेकिन प्यार, बारिश और ईद अचानक हो जाए ना तो कौम परेशान हो जाती है। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा बाबा, वो क्या? वो जरीना के लिए रिश्ता आया है। क्या? अरे बाबा, मेरी बहन तो बहुत मशहूर हो गई है। हाँ, और जब आप सुनेंगे ना कि लड़का करता क्या है, तो खुशी से और पागल हो जाएंगे। अच्छा, क्या करता है बाबा? लड़की का ना दूध का कारोबार है। अरे बाबा, तुमने ये की ना दिल खुश करने वाली बात है। कहाँ है लड़का और कितने बड़े हैं उसके? बड़े? वो बड़े नहीं है उसके, लेकिन काम यही करता है। बाबा क्या दूध जो है वो फिर तेल के कुओं से निकालता है? बड़े नहीं है? नहीं, असल में वो सूखे दूध का कारोबार करता है। सूखा दूध? बाबा ये क्या बात है? क्यों, आपने कभी नहीं सुना सूखा दूध? अरे बाबा सुना है और बहुत गुस्सा भी आया है। क्यों, गुस्सा क्यों आया? अरे बाबा ये क्या होता है, दूध दूध होता है, सूखा या गीला तो नहीं होता है ना? पर बच्चों, बड़ी बड़ी कंपनियां यही काम कर रही हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे बाबा वो है कहाँ लड़का और उससे कब मुलाकात होगी? वो बस थोड़ी देर में आ रहा है पापा के साथ। पापा के साथ? हाँ हाँ, पापा का जानने वाला है ना। अच्छा बाबा, फिर ठीक है, अच्छा ही होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अच्छा ये बताने का कि तुम्हारी शादी हो गया जी? अभी कहाँ, थोड़े दिन में शर्मा है ना, वही से पता लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे मॉडल्स पीछे पड़े? नहीं नहीं, मतलब बहुत सारी मॉडल्स। ऐसा बोलने का ना, तो क्यों किसी के शक को यकीन में बदल देता है तुम्हारे कारोबार में? जब तक रिश्ता ना हो तो फिर एतबार नहीं होता ना। जी बात तो ठीक है, लेकिन है कौन? लड़की है, पर यह समझ लेना कि मेरी बेटी है। हाँ मतलब मेरे पार्टनर का बेटी है और रहती मेरी बेटी के घर में। हाँ, लेकिन 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 कुछ नहीं कर लेगा। बात ये है कि कारोबार उस वक्त बढ़ेगा जब रिश्ते आपस में बढ़ेंगे, समझ आया ना? इतनी खूबसूरत छोकरी की शादी नहीं हो रही है, क्या जुलुम है बाबा, क्या जुलुम है। अरे बाबा, आज मेरी बहन जरीना, तू क्या कर रही है? अदा तुमको भला क्या है, तुम जाओ इसे मॉडल के साथ घूमो फिरो। अरे जरीना, हर वक्त ऐसे क्यों कहती रहती हो? आज तो हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए हैं। क्या भला, मैं फूफी बनने वाली हूँ? अरे नहीं जरीना, पूरी बात तो सुन ले। क्या सच्ची? हाँ, ये नहीं पूछेगी कि लड़का करता क्या है? अरे बाबा, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने देख लिया तो अच्छा ही होगा। अरे जरीना, पहले पूरी बात तो सुन ले। अरे बाबा सुनना क्या है, जब आपने देखा तो अच्छा ही होगा। अरे बाबा मैंने नहीं, सीमा ने देखा है। अच्छा फिर तो पूछना पड़ेगा, भला छोकरा करता क्या है? बताऊं? वो ना, वो दूध का कारोबार करता है। क्या वाकई? अरे वाह बाबा वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, सद्दू को मजा। अब ऐसी भी बात नहीं, शर्मिंदा तो ना करो, आखिर तुम गंद, मेरा मतलब नंद हो मेरी। वाह सही, वाह कितनी मोहब्बत है दोनों में, कितना प्यार है। चलो बाबा चलो, ठीक है, शुक्रिया। शादी का जोड़ा साथ लेने चलेंगे। सर आप प्लीज मुझे ये बता दें, आप मुझे एडवांस पेमेंट कब कर रहे हैं?
यू नो मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट लग चुकी है ऑलरेडी। सब मिलने का, सब मिलने का। ये मेरा दामाद है बच्चू और ये जो है मेरी बेटी है सीमा। बच्चू? ये कैसे नाम है बच्चू? ये तो बचपन में हम बोला करते थे बच्चू तू जरा बाहर मिल, और यू नो मुझे तो अक्सर लोग कहते थे बच्चू तू जरा बाद में मिल। बेटा कम करो उसको, कम करो थोड़ा कम हिलने का। अरे बाबा बच्चू मुझे प्यार से कहते हैं, वैसे मेरा असल नाम बचल है। बेटा ये हमारा होने वाला पार्टनर है। पापा। अरे बाबा पार्टनर? मेरा मतलब है कि ये रिश्ते के लिए है ना, ये जरीना के होने वाला पार्टनर है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई आप काम क्या करते हैं? जी मैं ये सुबह के दूध का काम करता ना। सूखा दूध? अरे बाबा क्या अजीब मजाक करता है। क्यों क्यों, इसमें मजाक वाली क्या बात है, हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बाबा कभी पानी सूखा सुना है? अरे बच्चों ये नई टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीका, अब सब ऐसे ही करते हैं। अरे बाबा अजीब बात है, पहले दूध सुखाओ उसके बाद फिर उसमें पानी मिलाओ, क्या बात करता है। आजकल बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है बाबा, समझ नहीं आ रहा है। अरे बाबा जरीना तुम अंदर जाओ, मुझे बहुत सारी बात करनी है अभी इससे। अरे बाबा मैं क्यों अंदर जाऊँ, मेरे लिए रिश्ता है तो जाहिर सी बात है मुझको देखना तो पड़ेगा ना। अरे तो देखो देखो बिल्कुल देखो। बच्चू बैठने देना उसको यहाँ पे। अच्छा बाबा अच्छा बैठो देखो। अरे ला कितना शर्मनाक है। शर्मनाक नहीं, शर्मिला शर्मिला। शर्मिला तो भला छोकरियों का नाम है, अब चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो छोकरा ना। इसका नाम शर्मिला नहीं, व्यक्ति व्यक्ति। अरे वाह बाबा क्या फिल्मी नाम है, चलेगा नहीं बल्कि अब तो भागेगा भागेगा। फिर क्या बोलता, ये लड़का तुमको समझ आया? अरे बाबा समझ के मैंने भला कौन सा इम्तिहान देना है। कोई सवाल है, कोई बात है? अरे नहीं नहीं बाबा कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं है, मुझे कबूल है कबूल है कबूल है। सच्ची मुबारक मुबारक मुबारक। अरे नहीं बाबा रुको रुको, अरे जरीना रुक, अभी मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं इससे। बच्चू क्या हो गया आपको, आप अंदर चले मैं देती हूँ आपको जवाब। अरे हाँ ना बाबा तुम जाओ ना, मुझे अपने मिकी के साथ बहुत सारी बातें करनी है। विकी नहीं विकी विकी। बाबा विकी तुम रुको, हम आता है अंदर से बात करके, जाना नहीं है तुमने बाबा। रुको इधर। बच्चों क्या हो गया आपको, इतनी मुश्किल से तो जान छूट रही थी, आप बीच में रुकावट डाल रहे हैं। अरे बाबा मेरी बहन कोई मुसीबत है जो जान छूट रही थी, कैसी बातें करती हो? तो और क्या, जब से शादी हुई है मेरे घरे आ गई है, अभी एक मौका मिला था उसमें आपने बीच में सवाल डाल दिए। अरे बाबा मेरी बहन है, मैं ऐसे कैसे किसी को भी दे दूं? ऐसे कैसे देने वाली बात हो रही है, आपसे परमिशन मांग कौन रहा है, इजाजत मांग कौन रहा है आपसे, वो उसकी हो गई। उसको क्या पता, वो तो बच्ची है अभी। बच्ची बच्ची है तो स्कूल में जमा करवाए ना, मेरे घर पे क्यों रखा हुआ है उसको? आप बिला वजह बात को बढ़ा रही। बच्चू बच्चू माय काउबॉय। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही। और जो भी होगा अच्छा होगा, उनके पापा कभी कुछ गलत करते ही नहीं। बाबा वो इंसान नहीं है। ऐसा काफी लोग कहते तो हैं। अब खैर ये छोड़े, आप खुद सोचे ना, उन्होंने मेरे लिए आपको पसंद किया, कुछ गलत किया? नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल ठीक था। है ना, तो मैं बस खत्म करें ना ये बात, चले यहाँ से। अच्छा बाबा हाँ चलो बाबा। मुबारक हो जी, सबको मुबारक है, आ गया ना जी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्राइवेट में, प्लीज। अरे अब शादी की बात करना, बात बात नहीं बातें करने का ढेर सारा। अरे बाबा बस बस करो, क्या सब बातें ही करते रहेंगे, भला मुझे बातें ही करनी थी तो मैं किसी दीवार से भी शादी कर सकती थी। शादी के बाद तो आपको पता है ना, बंदा घूमने फिरने जाता है, शॉपिंग वॉपिंग करता है, बहुत कुछ होता है। मैं तो अभी से घूम रहा हूँ अंकल, प्लीज आप मुझे एडवांस दे दे बस, कि मैं जाऊँ यहाँ से, प्लीज अंकल रिक्वेस्ट। यार कमाल है तुम, तुम्हारा भी कमाल है, मैं तेरे को पार्टनर बनाना है, तुम एडवांस मांग रहे। अरे भाई वाह वाह वाह, बाहर तक मुबारकबाद की आवाज आ रही है। शादी तय कर देना मैं जरीना की। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। अब जाओ जाके जल्दी से तुम मिठाई लेकर आओ। हाँ बाबा, और बहुत सारी ढेर सारी लाना, लाजमी सी बात है, इतनी बड़ी मुसीबत जो टल रही है, मिठाई तो बनती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये तो बकवास करता रहता है, नौकर कहीं का ना हो तो। कहीं का नहीं यही का, मिठाई लाने का जी, और खास तौर पे
अपसी का हलवा ले आना चाहिए। मैं लाता। अरे मैं बाबा जानी को फोन कर देता हूँ बाबा। ना 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 मैं खुद बताएगा जी। अरे नहीं नहीं मैं बाबा साई को फोन कर देती हूँ खुद ही। ज्यादा जज्बाती होने का जरूरत नहीं है, मैं आप बताएंगे ने उसको। अरे जरीना बड़ों की बात बड़े जाने, तुम बीच मत बोलो। अच्छा बच्चों और विक्की तुम लोग बाहर आने का मेरे साथ बात करने का। चलो बात खट्टा मीठा खट्टा मीठा। तुमको तो मालूम है कि रिश्ता जो है वो तय होने का हो गया। अरे बाबा ये बात तो हमको मालूम है, बाहर क्यों बुलवाया है? ओह माय गॉड अंकल आपने ये बोलने के लिए मैं बाहर बुलाया है? मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई। एक तो तुम लोगों का यही मसला है कि बात सुनो बगैर बोलना शुरू कर देते हो। अरे बाबा बोले बोले। हम ये चाहता है कि वकार जो है ना ये खुश्क दूध के कारोबार में हमारे साथ शिरकत करे। ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? क्यों ऐसे क्यों नहीं हो सकता? हाँ अरे बाबा हम दूध बेचते हैं वो भी खालिस असली वाला बाबा। तो ये भी वही बेचता है ना जी, इसका कुछ 3 डब्बे का कारोबार। पर बाबा जानी इसकी जरूरत क्या है? तुम नहीं चाहता कि तुम्हारा होने वाला जो भैनोई है उसको तरक्की हो, उसका काम अच्छा हो और उसका नाम भी हो जाए? हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं। तो हमने इसकी मदद करनी जी। बाबा वो कैसे? भाई ये खुश्क दूध का काम शुरू कर रहा है तो हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करने का जी? अरे बाबा सीमा तो कह रही थी कि ये पहले ही खुश्क दूध का काम करता है। ये करता था, तुमको सीमा ने बताया होगा ना जी, बेचारे ने बहुत ही नुकसान उठाया। बाले वालों ने दूध की सप्लाई को रोक दिया ना जी, क्या जुल्म हुआ मेरे बच्चे, इसीलिए बाज बाज पे हिलने लगा। ये नहीं करता है, ये क्यों करता है? बस मैं अब क्या बताऊं, मार्केट में इतने घटिया लोग हैं कि बस अब हर कोई बच्चू भाई की तरह इतना बड़ा आदमी थोड़ी होता है। वैसे बच्चू भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बाबा नहीं, तुम किधर जाता है? रुको बाबा रुको, तुम पहले भी दूध बेचता था, अब भी दूध बेचना चाहता है। हम तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा सही? ये तो बहुत अच्छा बात हो गया ना, तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। अरे आप बाबा आप दोनों को भी मुबारक। चलो अंदर चलो। अंदर चलते। हेलो भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बेग साहब आप खैरियत? अरे हाँ भाई मैंने सुना है आजकल दूध में पानी की बहुत मिलावट की जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलें मैं आप लोगों से जाके इसकी असलियत खुद मालूम कर लेता हूँ। हाँ कह तो ठीक रहे हैं आप, एक काम क्यों नहीं करते, सूखा दूध क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अरे हाँ इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आए अंदर चलते हैं, आपका ये मसला भी हल करते हैं। चलें अगर ऐसी बात है तो चलते हैं अंदर, चलिए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब भी आ गए ना जी, वेरी गुड। बाबा साथ में मिठाई भी आ गई है। अरे बाबा इनको भी मिठाई खिलाओ ना। अरे भाई किस खुशी में मिठाई है? वो अब मेरा रिश्ता तय हो गया है ना। बहुत बहुत मुबारक हो। लड़का कौन है? अब ये आपके सामने तो बैठा है जी, ये रहा लड़का। जी ये है वो लड़का जो आपके थाने में दूध सप्लाई करेगा। अच्छा अच्छा सूखा दूध। जी जी जी। बाबा हमारा बहनोई भी है और बिजनेस पार्टनर भी। अंकल अंकल मैं तो कहता हूँ आप प्लीज मुझे एडवांस दे दें, पार्टनरशिप जो है ना ये आप अपने पास ही रखें मुझे। आपको सब दूसरे में लगे हुए और ये पहला गाग भी आ गया, आज से आपका दूध थाने में जाएगा। बाबा आज तो बहुत ही खुशखबरियां मिली है ना तुमको, माशाल्लाह जी। अच्छा अच्छा मुझे बता दें दूध कहाँ से मिलेगा ताकि मैं लेकर जाऊँ उसे चेक करूँ और फिर मैं मुस्तकिल आपका गाग बन जाऊँ। वो मेरे घर पे, मैं भी लेके आता हूँ। अरे बाबा तुम क्यों जाएगा, बैठो। हाँ हाँ आप क्यों जाओगे, ये जानी है ना ये खुद ही दे देगा। हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं जैसा आप कहें। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके मोबाइल पे एड्रेस भेज देता हूँ, आप सैंपल लेके इनको दे दीजिएगा। हाँ ये काम तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा भाई। सब बात का छोड़ है, आप मिठाई तक का बना जी। अभी वक्त नहीं है, फिर किसी वक्त आऊंगा। अब आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा। जरीना समझ। अरे हाँ बाबा मैं खुद बुलाऊंगा आपको। चले तो फिर मैं चलता हूँ। बेग साहब आप ना हमारी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लाजमी सी बात है, चले जनाब। अरे बाबा मिठाई हमको देकर जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ। आइए सर।
ओह माय गॉड, मैं कैसे समझाऊं? मैं अपनी मामा की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकता। अरे बाबा, इसमें ऐसे मुंह बनाने वाली क्या बात है, अपनी वालदा को यहाँ बुला लो। मुझे खुद जाके लाना होगा उन्हें। अरे बाबा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अभी जानी आएगा उसको भेज देंगे। अरे नहीं नहीं, वो नाराज हो जाएंगी। मैं जाता हूँ ना, उनको लेके आ जाता हूँ। क्यों अंकल, प्लीज ना अंकल। ठीक हो गया, तुम जाके अपनी अम्मा को लेके आने का। रोना नहीं, तुम सादा ही बुरा लग रहा, रोना नहीं, समझ आया ना? अंकल को अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो, यू नो, मैंने बहुत मेहनत की सुबह से अंकल। तुम लेकर आओ, तुमको फुल पेमेंट करने का है। जाओ। ख्याल से जाना, ख्याल से आना, देख भी नहीं रहा है मुआ। अच्छा वो तुम आ गया ना, तुमने सैंपल दे दिया बैग सबको? हाँ हाँ, मैं दे आया, बस अब उनको पसंद आ जाए। घबरा तो ना, बहुत घबरा। क्यों पापा? वो विक्की अभी तक आया नहीं, अल्लाह ख्याल करेगा। अल्लाह करे मेरी होने वाली सास ही मर गई हो। ओहो जरीना, अगर तुम्हारी सास मर गई तो तुम्हारी शादी पर और लेट होगी, हमारा क्या? अरे बाबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अल्लाह करे शादी और शादी के फौरी बाद मर जाए, कितना मजा आएगा भाजाई। ये सूखे दूध का कारोबार तुम लोग करते हो ना? पता तो है ना भाई, हमने अपने पार्टनर से मिलाया नहीं था तुमको। वो जो पाउडर का दूध तुम लोगों ने थाने भिजवाया था ना, वो पाउडर का दूध नहीं बल्कि गर्मी दानों का पाउडर है। वो गर्मी दानों का पाउडर है? लो ये देखो। अल्लाह, मुस्कफूर। ओह तो बहुत ठंडा है। हाँ बाबा दिखाओ। अरे बाबा क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, पहले ही थानों में क्या कम ठंड मची होती है। चाय पीने के बाद सारे पुलिस वाले मजीद ठंडे हो गए और उनकी तो हालत ही खराब हो गई। अब जरीना आओ ना, तुम ही देखो। जरीना इधर आओ बाबा, देखो कितना ठंडा है बाबा। अरे बेग साहब, ऐसा करो कि ये सारा मामला जो है मेरी शादी के बाद देख लेना। इसका फैसला तो थाने जाके होगा, और चलो तुम दोनों मेरे साथ। अरे नहीं बाबा, पापा को बनी, पापा को नहीं, मेरे को नहीं, मेरा बेटी बोलता है ना, मेरे को। अरे बाबा रुको, पापा ऐसे नहीं। अरे 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 बेग साहब, इन लोगों को इनाम देने थाने लेके जा रहे हैं। ओए बॉर्डर का दूध थाने देने तू ही आया था ना, इनको छोड़, तू चल मेरे साथ, चल। अरे बाबा कौन सा केस था जो 20 साल चलता रहा है? दूध वालों को क्या पता कि कैसे कैसे केस होते हैं। ओ हो 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 हो। अरे इतना सारा खाना। शाबाश अपने घर जाओ बाबा, यहाँ कब तक बैठा रहेगा? जब तक मेरा दिल करेगा। ये पिटेगा आज मेरे हाथ से बाबा। सुन। मैं इनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रही। ये तो बड़ी शर्फ की बात। क्यों? इनसे लोग भागते, ये आपसे भाग रही, वाह। क्या मतलब है तुम्हारा? बेचारा लगता है सदमे से पागल हो गया। हाँ बाबा, लग तो मुझे भी यही रहा है। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा।